आपके लाइव सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की रीडिंग पिक अ कार्ड है। हेलो श्रुति, लक्ष्मी, पुष्पा, पारुल, किदमस्ती, काजल, हैप्पी होली इन एडवांस गाइस। होली की तैयारी होगी सबकी। ओके, सिलेक्ट कर लो पाइल वन, पाइल टू। वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर दो। ओके, मैं पाइल वन के साथ स्टार्ट करती हूँ। और आज का सवाल है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। पाइल वन के लिए व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हो आपसे। ओके, एम्प्रेस रिवर्स्ड, जस्टिस रिवर्स्ड एंड पेज ऑफ वांड्स रिवर्स्ड। उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, टॉक्सिक फेमिनिटी। सी, यहाँ पर दो रीजंस आ रहे हैं। एक, या तो उनकी फेमिनिनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया गया था, मतलब उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया गया था, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझोगे, इसलिए वो अपनी मन की बात आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। या फिर वो टॉक्सिक है, ठीक है, और क्योंकि आप डिवाइन हो, वो आपके साथ समवट कम कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करेंगे, दोनों में से एक। पर यहाँ पर ज़्यादातर 85% मुझे यही लग रहा है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है और वो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं, और समवट आप वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करो, उन्हें सुनो, उन्हें समझो और उनकी कोई हेल्प करो, कोई रास्ता दिखाओ, पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। प्रॉब्ली वो अलग अलग बहाने से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे, अलग रीज़न से वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे, पर जो एक्चुअल बात है वो उनके ज़ुबान तक नहीं आ रही है। ये कोई लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, बट इट्स मोस्टली बिकॉज उनकी इमोशंस पर चोट किया गया है, ठीक है ना। बट ये इन पर्सन आपके लिए बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है ना। वो आपके तरफ कोई नेगेटिविटी लेकर के नहीं आ रहे, इट्स जस्ट मजिशियन। इवन अगर वो आपको एक कॉम्पिटिशन की तरह देखते हैं, वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। इट्स लाइक वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो उनमें नहीं है, ठीक है। वो क्या है, जो क्या कमी है उनमें, कैसे आप ब्लेस्ड हो, आपका सारा काम हो रहा है, कैसे आप शाइन कर रहे हो और वो शाइन नहीं कर रहे, उनके कौन से सोच में, कौन तरीके में खामियां आ रही है, और वो आपसे मिलजुल के बात करके वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे। वो आपको जानकर अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे, ठीक है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डीप एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंटेंस यहाँ पर कनेक्शन है, जहाँ पर वो समझने की कोशिश कर रहे, वो अपने आप को समझने के लिए वो आपको जानने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ पर प्रॉब्ली आप यही उन्हें एडवाइस दोगे कि मुझे जानने से तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे, अपने आप को जानना है तो अपने भीतर झांकना पड़ेगा।
ये पर्सन गलत नहीं है, दिस इज अ गुड पर्सन. ठीक है, वी हैव द मजिशियन अपराइट. इट्स जस्ट दैट कि उनके अंदर कुछ ऐसी हर्ट फीलिंग है, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, कुछ यू नो नेगेटिव सोच है जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे, और आपसे बात करके, आपके तौर तरीकों को अपना करके वो समहाउ अपने आप को रिलीव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, इट्स लाइक उन्हें आप में कोई कोई गुरु हो या कोई सेवियर हो, ठीक है, आप में वो देख रहे हैं. आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पर. आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, वो कौन सा रीजन है, कौन सी टॉक्सिक सोच है या कौन सी क्वालिटी है जो वो आप में देखते हैं और अपने अंदर वो देख नहीं पा रहे. इट्स लाइक आपको ना एक आईने की तरह वो देख रहे हैं, आप लिटरली उन्हें मिरर कर रहे हो. वो देख पा रहे हैं कि आप में कुछ ऐसी अमेजिंग बातें हैं, कुछ क्वालिटीज़ है जो वो अपने अंदर नहीं देख पा रहे, और इससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आप में वो बात है और उनमें नहीं. आप प्रॉब्ली इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे ज़बरदस्त तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप इस पर्सन की एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. ये लिटरली आपके साथ झगड़ा करने की भी कोशिश करेंगे ताकि वो आपको जान पाए, समझ पाए, जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसे कमेंट्स पास करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको उलझा सके और वो उस उलझन में आपको समझने की कोशिश कर सके कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को यू नो सॉल्व करते हो, आप में वो कौन सी क्षमता है और कैसे करते हो. जस्ट आपको समझने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपका पोजीशन बहुत सही है, आप लिटरली इस झगड़े में जाना नहीं चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ मिक्स भी करना नहीं चाहते हो. लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई एम सॉरी, बट इट्स पार्ट ऑफ देयर कार्मा. ठीक है, एंड इट्स पार्ट ऑफ योर कार्मा एज वेल कि आपको इस पर्सन की कहीं ना कहीं हेल्प करनी है. प्रॉब्ली आप गुस्से में उन्हें कुछ बोल दोगे जिसके चलते उन्हें उनके प्रॉब्लम का सलूशन दिख जाएगा. पकड़ लो, अगर ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक रहा है या उसकी उसमें आदत नहीं है कि कोई उसे उसकी गलतियों को पकड़े, ठीक है ना, हमेशा लोगों ने उनकी तारीफ ही की है, ठीक है ना, और अचानक से आपके सामने आ जाने के बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि वो उतने भी परफेक्ट नहीं है, उतने भी अच्छे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी अच्छाई के मुकाबले उनकी अच्छाई बहुत कम हो जा रही है. ठीक है ना, वो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऑफ है. ठीक है ना, एंड इट्स पार्ट ऑफ योर कार्मा कि आप अगर गुस्से में भी, बिकॉज वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, गुस्से में भी जब आप उन्हें कुछ सुनाओगे, ठीक है ना, तो वो लिटरली उन्हें आपके सच को ग्रहण करना होगा. वो सच उनके लिए बहुत तीता हो सकता है, ठीक है, बट उन्हें वो ग्रहण करना होगा. इसके पहले तक हो सकता है कि उन लोगों ने उन्होंने कभी भी फैक्ट को सुना नहीं है. उन इसके पहले तक प्रॉब्ली किसी ने उन्हें बताने की कोशिश किया होगा कि तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, पर उन्होंने किसी को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो उनकी बात सुन पाए. बट क्योंकि आप डिवाइन हो, आप में वो एक काबिलियत आ गई है जहाँ पर लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसीलिए जब आप बोलोगे कि नहीं तुम में ये कमी है, नहीं तुमने ये झूठ बोला है, या तुमने ये यू नो नाइंसाफी की है, चाहे किसी और के साथ हो या अपने साथ हो, या कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ तो तुमने ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से तुम्हारे आत्मा में एक बोझ है, ठीक है ना, या तुम्हारी ये सोच बहुत टॉक्सिक है, जब आप बोलोगे तो उसने सुनना होगा, वो मानने पर वो मजबूर हो जाएंगे. इट्स लाइक उनके सोल को, ये एक होता है ना, जब कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा जब बदमाशी करता है तो टीचर उसको फटकार लगाता है, राइट,
ताकि वो समझ पाए, बात की गहराई को समझ पाए। आप जिस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करोगे, जिस तरीके से आप बोलोगे, उससे उन्हें उस बात की गहराई समझ में आएगा, उन्हें वो लिंक समझ में आएगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ था और कहाँ पर जाकर के ये रुका है। वो समझ पाएंगे कि आज जो उनका सिचुएशन है उसके पीछे का रीज़न क्या है, और वो खुद उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सन लिटरली आपको इंस्टिगेट करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्ली कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट पास कर देंगे, पर आप पहले इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा बात करने में, क्योंकि इनकी एनर्जी आपसे थोड़ी कम होगी। यू बी लाइक, मेरे पास टाइम नहीं है। बट ये जानबूझ के आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा, और आप फट से अच्छा बिहेव करते करते, अच्छा फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहते रहते एकदम से आपका दिमाग जल जाएगा, और आप लिटरली उन्हें पीस ऑफ माइंड दे दोगे। यू विल बी लाइक, सच सुनना है सुनो, तो फैक्ट ये है कि तुम ऐसे 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 हो, तुमने ये कांड किया है, और ये सारी बिहेवियर बहुत ही टॉक्सिक है तुम्हारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जस्ट बताओ। और आप जब ऐसे बोलोगे ना, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका जो बर्ताव रहा है दूसरों के प्रति या अपने खुद के प्रति, उसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और ये उनका ही, उनके हाथों में ही है इस चीज़ को बदलना, और उसके लिए उन्हें अपने आप को बदलना होगा, और आपके बोलने के बाद ही वो अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि वो सुनने के लिए बाध्य होंगे। ये देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दिस इज़ द कार्मा कार्ड। आपके आपके ज़ुबान से ही, आपके एनर्जी से ही, आप जिस इंटेंसिटी से उन्हें बोलोगे, इल बी लाइक डिवाइन टॉकिंग, ठीक है ना। एकदम पत्थर की लकीर की तरह वो निकलेगा आपके, एकदम अंतरात्मा से वो बात निकलेगी, और जाकर के सीधा उनके दिल में जाल लगेगा, ताकि वो अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सके, ठीक है ना। उनकी दिमाग की बत्ती जल उठेगी। ओके, व्हाट्स द एडवाइस इस सिचुएशन में पायलवान के लिए? तो बेसिकली वो आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं, फटकार के साथ। आई एम हियरिंग, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करोगे एक पॉइंट के बाद, कि ये जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, दैट्स काइंड ऑफ थिंग, कि अच्छा अच्छा बन तो रहा है, बट इसकी एनर्जी एकदम वैसी नहीं है जैसे ये दिखाता है। ऐसा एक मतलब ये नहीं होता, कमेलियंस, कमेलियंस को हिंदी में कहते हैं, गिरगिट, गिरगिट वाला एक एनर्जी आपको महसूस होगी, कि ये रंग बदलता है, प्लस जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, ऐसे तो सबके सामने बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बट इसकी एनर्जी, इसमें कुछ तो झूठ है, कुछ तो धोखा है इसमें, और आप इस बात को पकड़ पाओगे मोमेंट टू मोमेंट। आपको मोमेंट टू मोमेंट जीना है, हर सेकंड को, हर पल को आराम से जियो, आज को पूरी तरीके से जियो, हर एक सेकंड को महसूस करो, ठीक है ना। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके कदम आगे बढ़ाओ, ताकि बैलेंस तरीके से आगे निकल सको, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे कुछ और लोग भी मिले जिनसे आपका आमने सामने होगा। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि कैसे एनर्जी के जरिए लोगों को पहचाना जा सकता है, उनके शब्दों पर, उनके बिहेवियर पर, उनके चेहरे पर, उनके पर्सनालिटी पर, उसके बैंक बैलेंस के ऊपर मत जाओ, उन्हें उनके वाइब्रेशन से पहचानो। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आपको एक गुरु का स्थान मिल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। कंडीशनिंग, या इस पर्सन की एक बहुत ही सॉलिड कंडीशनिंग है, ठीक है। एक सोचने का, बिहेव करने का एक तौर तरीका जो बचपन से वो फॉलो करता है, एक पैटर्न है उसका, और जो आपके बातों से ही वो तोड़ पाएगा, तो आप इसका भला ही करने वाले हो।
फटकार सही सही पर भला करने वाले हो, इसके टॉक्सिक बिहेवियर पे आप अंकुश लगा पाओगे, ठीक है ना, ताकि आगे से वो फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना कर सके। किसी होता है you know, लोग मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स के साथ एक दूसरे के साथ वो लोग कोई भी टॉक्सिसिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ जब उनका सामना होता है ना, तो उनकी टॉक्सिसिटी पर अंकुश लग जाता है। तो आप एज डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप ऑथेंटिकली बात करो, जो जैसा है एकदम रियल होकर के फैक्ट बातें मुंह पर बोल के निकल जाओ। आपको यहाँ पर ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस लायन को देखो, पैर में उसके रस्सी बंधा हुआ है ना, और उसके आसपास सारे जो है शीप्स उसको उतार रहे। तो ये पर्सन लिटरली एक लीडरशिप पोजीशन में हो सकता है, कहीं पर भी वो हो, ठीक है। किड मस्ती दी अमाउंट इज 300+ और मैं पिकअप कार्ड कर रही हूँ, एनर्जी चेक इन नहीं। तो ये पर्सन एक्चुअली एक क्या कहूँ इसको, लीडरशिप पोजीशन भी नहीं कह सकते, इट्स लाइक अ बॉस, कि इसके अंडर में प्रॉब्ली लोग काम करते हैं, या ये अपने फैमिली का हेड है, ये कमाता है, ठीक है ना, ये अपना अथॉरिटी प्लेस करता है, ठीक है ना। रेखा अमाउंट है 300+ और मैं पिकअप कार्ड कर रही हूँ, ये एनर्जी चेक इन में आएगा। प्लीज़ कोई रेखा को इस बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। हाय चिल सोल कुसुम, हाय, और एडवाइस फॉर पाइल वन के लिए और एडवाइसेस। न्यू विजन, इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद आपका भी यहाँ पर विजन थोड़ा सा ओपन होगा। अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हो कि पता नहीं मेरा जजमेंट कैसा होगा, मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए, अगर कुछ बोल दूँ तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, बट आप यहाँ पर रियलाइज़ करोगे कि सच बोलना ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ये झटके अच्छे होते, सच हर हाल में अच्छा होता है, बहुत ही सुकूनदायक होता है, ठीक है। ये पर्सन चाहे कितना भी you know, बटरिंग करे, शुगर कोटेड बातें करे, एकदम मीठी मीठी बातें क्यों ना करे, एंड ऑफ द डे अगर किसी इंसान में सच सुनने की क्षमता ना हो, वो ऑटोमेटिकली टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। और सच को ग्रहण करने की सबकी अलग अलग एक तरीका होता है, ठीक है ना, बट क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इट्स लाइक आप रूड होना नहीं चाहोगे, बट समहाउ क्योंकि वो इतना ज़्यादा नौटंकी करेंगे ना, आपको इरिटेट करेंगे कि आप सच बोलने पर मजबूर हो जाओगे, और वो भी बहुत फटकार वाले एनर्जी के साथ। एंड और इसके बाद आपके अंदर अगर कोई डाउट था कि आप कोई काम कर सकते हो, अकेले चल सकते हो कि नहीं, प्रॉब्ली ये पर्सन आपके साथ काम करता है, आप मिलजुल के कोई काम करते हो, चाहे वो घर का काम हो या बाहर फाइनेंशियल काम हो, एक बॉन्डिंग वाला काम है, ठीक है ना, दोस्त लोग एक साथ काम करने वाला, जो मिलजुल के वाला काम नहीं होता है, वो ऐसा वाला काम होता है। एंड प्रॉब्ली आपको बहुत डर लगता होगा कि क्या मैं अकेले इस बात को संभाल सकता हूँ या नहीं, बट इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आप अकेले चल सकते हो। इनफैक्ट आपकी जो समझ है इस पर्सन से एटलीस्ट बेटर है, और आपका जजमेंट कॉल भी बहुत सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन का जजमेंट एकदम बेकार है, ये रिवर्स्ड आया, ठीक है ना। तो ये पर्सन का जो सोच है वो प्रॉब्ली उनके खुद के खिलाफ ही काम करता है, वो इमोशनली स्पिरिचुअली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप हो, ठीक है ना, और आप उन्हें एक नई दिशा आप उन्हें दे पाओगे, प्लस उनको हेल्प करते करते आपके सोल को भी एक हेल्प मिल जाएगा, आप अपने अंदर की जो एक लो सेल्फ इस्टीम इशू होता है ना, वो ही हो जाएगी, ठीक है। अब पाइल टू के तरफ मूव करते हैं,
जो भी टाइम स्टेप करेंगे 9-20 मिनट्स में करो, ठीक है? पाइल टू, ओके, पाइल टू के लिए क्या कार्ड्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? पाइल टू के लिए वो आपसे क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम माय पाइल टू? पाइल टू क्या चाहते हैं? पाइल टू के लिए आई एम गेटिंग अ कार्मिक कमिंग बैक। एक कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो, या पहला कार्ड कॉन्फ्लिक्ट, यस, एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स। ओके, ये जो पर्सन है, ठीक है, पास्ट में इस पर्सन के प्रेजेंस में, इनके मौजूदगी में आप बहुत ही हेल्पलेस और पावरलेस फील करते थे, ठीक है? बहुत कमज़ोर फील करते थे। इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से दिस इज़ अ कार्मिक वाला सिचुएशन, ठीक है? इट्स लाइक अ कार्मिक कमिंग बैक, बस आपको परेशान करने के लिए। आपसे चाहते क्या है ये? आपके स्ट्रेंथ को ले लेना चाहते? ओके, इट्स मोर लाइक ये पर्सन खुद बहुत कमज़ोर है, टॉक्सिसिटी से ये पूरी तरीके से ग्रस्त है, और आपको कमज़ोर देखकर, आपको कमज़ोर होता हुआ देख करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है। आप पर डोमिनेशन करके उन्हें पावरफुल फील होता है। इट्स लाइक उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी सोच उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, पर जब वो अपनी टॉक्सिसिटी आप पर प्ले आउट करता है और वो आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप उनके बातों में आ जाते हो या उनके बिहेवियर से आप परेशान हो जाते हो, जब आपको तकलीफ़ होती है, ठीक है ना, आप जब छटपटाते हो, आपके छटपटाहट से उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें ताकत है, ठीक है ना? इट्स लाइक बहुत ही असुरी काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना? ये इक्वालिटी नहीं समझता ये पर्सन या ये लोग, बिकॉज़ ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? सो इट्स लाइक ये लोग एक्चुअली इक्वालिटी नहीं समझते इन्हें, क्योंकि इन्हें इनकी कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है, अलाइंड नहीं है और पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए वो किसी को भी जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता है वो उन्हें कंट्रोल करके अपने आप को, असुर नहीं होते हैं, हमेशा दूसरों को दमन करके ही उन्हें उन्हें लगता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ पावरफुल है। तो इनकी प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है आपके तरफ, इनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा ही है। ये आपके चॉइसेस को चुरा करके भागना चाहते हैं। वी हैव द थ्री ऑफ वंस एंड इट्स रिवर्स्ड। आपके लाइफ में कुछ चॉइसेस है, आप डिसीशन ले सकते हो, ठीक है, चुनाव कर सकते हो, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपका जो चॉइसेस है, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किसी तरह बर्बाद हो जाए। और इसके लिए अगर उन्हें आपको डराना पड़े, धमकाना पड़े, आपको मैनिपुलेट करना पड़े, वो ऐसा करेंगे, ठीक है? एंड मैं तो यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी कि वो जैसे है, ठीक है, वैसे ही उन्हें पहचानो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप जिस भी नाम से भगवान को पहचानते हो, ओम नमः शिवाय हो या ओम नारायण नमः हो, कुछ भी जो आप मानते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड मंत्र जाप करो, अपने अंदर से अपने सोल को नरिश करो ज्ञान के साथ, ताकि आप इस पर्सन को आंखों में आंखें डाल करके इनसे बात कर सको, ठीक है ना? क्योंकि ये पर्सन लिटरली आपको दमन करने में बहुत पसंद करता है, और आप इसमें विक्टोरियस भी होने वाले हो। आपको रियलाइज करना होगा कि ये पर्सन जो आपको डराता है, धमकाता है, एक्चुअली ये बहुत खोखला है, इसमें कुछ भी नहीं है डरने लायक। ये प्रॉब्ली आपको, ये पर्सन लिटरली आपको कहते होंगे कि तू अकेला नहीं चल सकता है या अकेला करियर नहीं बना सकता है, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है, तेरा अस्तित्व नहीं है, ठीक है? यू नो, को डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना?
ताकि आप हमेशा उन पर निर्भर रहो और वो आपके ऊपर अपनी टॉक्सिसिटी और अपना बकवास, अपने नेगेटिव कमेंट्स हमेशा छोड़ता रहे, ठीक है ना। बट देन यहाँ पर आप विक्टोरियसली मूव आउट कर पाओगे, मीन्स कि आप उन्हें दिखा पाओगे कि आप अकेले चल सकते हो, कि आपके सपने बेफालतू नहीं हैं और इतने भी बड़े नहीं हैं कि आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते हो। कोई भी सपना इतना भी बड़ा नहीं होता है कि इंसान उसको पूरा ना कर सके, सपने होते ही हैं पूरा करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी क्या पोजीशन है और देखते हैं और क्या कहा जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, ठीक है ना। ये आपको वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, आप यहाँ पर सच को देख पाओगे, आपको यहाँ पर सच ही देखना है। अपने तीसरे नेत्र को ओपन करो और सच को सच की तरह आपको देखना होगा एंड यू विल हैव टू कॉल दिस पर्सन आउट, ठीक है। यू आर वेरी जेनरस, ठीक है, और ये आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी एनर्जी है और वो फ्री फंड में आपसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वो आएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, प्रॉब्ली आपकी झूठी कहानी आपको सुनाएंगे, सैड वाली कहानी सुनाएंगे या फिर डराने धमकाने वाले कर सकते हैं, जस्ट टू गेट योर एनर्जी, आपका करेंसी आपसे लेने के लिए कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो एंड ऑल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, अपने नेगेटिव को अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई इंसान कोशिश ही नहीं करेगा, सही रास्ते को अपनाएगा ही नहीं, तो सही रास्ते पे चलेगा कैसे, ठीक है। एंड द फैक्ट कि अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कैसे करोगे, आपको अगर आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन से हेल्प लेते हो, ठीक है, आपको वो रोकना होगा। और अगर आप इस पर्सन को हेल्प देते हो तो आपको ये हेल्प देना रोकना होगा ताकि वो अपना खुद का कर सके, ठीक है ना। यू विल हैव टू बिहेव लाइक द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। मन में करुणा रखो, कोई शाप नहीं, कोई बैड फीलिंग्स नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप स्वतंत्र हो करके इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको रास्ता अकेला तय करना होगा, अपने आप के सामने प्रूफ करने के लिए कि आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और बिकॉज वी हैव द विक्टोरियस कार्ड, यहाँ पर आप विक्टोरियस भी होंगे, बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अपना काम, आप चाहे कोई भी काम करो उसमें पूरा दिल लगन डाल के, पूरा माइंड बॉडी सोल एकदम फोकस डाल करके, क्लियर गुड इंटेंशन के साथ करो, वो सफल ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कार्ड एकदम मस्त है, ठीक है ना। सो डोंट वरी, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ वक्त के लिए इस पर्सन से फाइनेंस प्रॉब्लम मिलना रुक जाएगा। आप जब उनकी बात सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो सज़ा के तौर पे हो सकता है कि वो आपको फाइनेंस देना बंद कर दे। उन्हें लगेगा कि यार इसको फाइनेंस नहीं देते हैं, तभी इसको समझ में आएगा कि अकेले कमा करके चलना कितना मुश्किल होता है। बट देन अगर आप अपने दिल को एकदम मजबूत कर लेते हो, अपने इरादों को एकदम मजबूत कर देते हो, तो आपको इस पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही अपने आप को और अपने आई एम हियरिंग बेबी को, तो प्रॉब्ली आप सिंगल मदर हो, अपने आप को आप संभाल पाओगे। वी हैव द स्ट्रेस रिवर्स था, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, क्या मैं अकेला कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास की कमी जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा दूर रखो, अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा जो है विश्वास रखो। डोंट डाउट योर सेल्फ लाइक दैट, क्योंकि ये पर्सन अगर आपको डोमिनेट करता है तो सबसे पहले ये पर्सन आपके सक्सेस पर अटैक करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर ढेर सारा डर और सेल्फ लो सेल्फ इस्टीम इशू वाला ही अटैक्स करेंगे, सेल्फ डाउट आपके अंदर वो क्रिएट करेंगे ताकि आप लड़खड़ाना शुरू कर दो। लेकिन पहला कदम हमेशा बहुत डरावना होता है, ठीक है। पहला स्टेप
जब मैं भी ली थी ना, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पर उसके बाद धीरे 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 सब सही हो गया। तो वो पहला स्टेप हमेशा थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है और चेंजेस बहुत अनकंफर्टेबल होता है। एक न्यू टेरिटरी में एंटर करने से अननोन अनजान का एक डर होता है, ठीक है ना। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सब कुछ सही सही से हो जाएगा। सो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। वी हैव द सक्सेस कार्ड, आप पूरा सक्सेसफुल होने वाले हो। एंड व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, ये पर्सन लिटरली आपको सिर्फ ट्रैप करना चाहते हैं, दैट्स इट। वो आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते, हैप्पी रिवर्स्ड, हैप्पीनेस रिवर्स्ड। ये पर्सन आपको एकदम भी खुश बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी हैव द गो रिवर्स, सो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। बट अगर आप अपने मन को एकदम स्थिर कर लेते हो तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि वो आपको बेघर करने का धमकी देंगे। दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू क्रिएट लॉट ऑफ कोडिपेंडेंसी। वी हैव द थर्ड आई एंड इट्स रिवर्स, अपने तीसरे नेत्र पर काम करो। यू हैव टू अपने आप को ईश्वर की नज़र से देखने की कोशिश करो। आप में वो सारी काबिलियत है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, पर सवाल ये है क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है। वो सारे सोच जो कहता है कि आपसे नहीं हो पाएगा ना, उसे आपको अबैंडन करना होगा। उन सारे नेगेटिव सोच को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा, धीरे 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 धीरे, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, सब सही से हो जाएगा। द माइजर, यहाँ पर ये पर्सन बड़ा कंजूस है, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी कंजूस, ये सिर्फ अपने मतलब से ही आगे बढ़ता है। इट्स लाइक जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता है वो आएंगे, आपको लालच देंगे, आपको इतने सारे सपने दिखाएंगे, ढेर सारे बातें बोलेंगे, और जो भी काम आपसे उन्हें निकलवाना होगा, चाहे फाइनेंशली हो, कोई हेल्प हो, ठीक है, आपकी एनर्जी हो, वो ले लेंगे, उसके बाद रिटर्न कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, वो सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं। प्रॉब्ली ये पर्सन आपके सक्सेस पर भी एक एक हिस्सा मांगने की वो कोशिश करेंगे कि तुम जो कुछ भी हो मेरे वजह से हो, दैट काइंड ऑफ शिट। बट देन डिवाइन ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहाँ पर वो आपके किसी भी काम में हिस्सेदारी मांग ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। इट्स लाइक बहुत क्लियर होगा कि आपका जो कुछ भी है वो सिर्फ आपके खुद के मेहनत के वजह से है, और यहाँ पर उन्होंने तो आपको हेल्प किया ही नहीं, आप तो लोगे नहीं, ठीक है। और वो सही टाइम पे प्रॉब्ली आपको हाँ हाँ बोल के लास्ट मोमेंट में वो आपको शायद इनकार भी कर देंगे, जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनके हाथों से निकल सी। नार्सिसिस्ट एंड कंट्रोलिंग एसोल्स लोग का क्या होता है ना, कि वो सिर्फ किसी भी तरह कंट्रोल करना चाहते ताकि वो अपने विक्टिम्स के ऊपर फीड कर सके, ठीक है, एनर्जी फीड कर सके। जहाँ जब भी नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप उनके चुंगल से बाहर निकल सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सी नार्सिसिस्ट यूजली ना अपने विक्टिम्स को बंदी बना कर रखते, उन्हें ज्ञान अर्जित करने नहीं देंगे, उन्हें एडुकेशन नहीं देंगे, उन्हें फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, कुछ भी बाहर वालों से किसी के साथ मिलने नहीं देते हैं, अपने हम उम्र के दोस्त बनाने नहीं देंगे, नेबर से बात नहीं करने देंगे, पहले से ऐसे बदनामी कर देंगे कि आप डर के मारे किसी के साथ बात ही मत करो। क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि अगर आप किसी से बात करोगे या आप प्रॉपर जानकारी अगर हासिल कर दोगे तो प्रॉब्ली आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, ठीक है, आप उनके चुंगल से बाहर निकलने के आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन और इनफ ज्ञान आ जाएगा, आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगा,
ठीक है, स्पिरिचुअली सोल लेवल पे आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप वॉकआउट कर सको, फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप कभी भी यहाँ आप उनके चुंगल से निकल सकते हो। तो वो हर तरीके से कोशिश करते हैं अपने विक्टिम को बंदी बनाकर रखने का, सारे इंफॉर्मेशन से उन्हें वंचित रखने का, ठीक है। अजीबोगरीब तौर तरीके और यू नो कस्टम एंड कल्चर और फैमिली रूल्स, हाँ रिलेशनशिप के रूल्स बकवास बोल करके वो जैसे तैसे अपना बात मनवा करके अपने विक्टिम्स को ना बंदी बना करके रखते हैं, ठीक है ना, जानबूझ के बदनामी कर देंगे, एसिड अटैक्स, ठीक है, अपने ही किसी दोस्तों को बोल करके आपके साथ रास्ते पर छेड़खानी कर देंगे, कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे ताकि आप डर के मारे कुछ नया एक्सप्लोर ही ना करो, मतलब अंदर ही अंदर वो डर से आपको इतना खोखला कर देंगे कि आपको पहला कदम लेने से पहले आप बेहोश हो जाओ। नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम्स के साथ ऐसा ही करते हैं, चाहे वो नार्सिसिस्ट पेरेंट हो, स्पाउस हो, ठीक है, फ्रेंड हो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, एक नार्सिसिस्ट एक नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है, एक टॉक्सिक इंसान टॉक्सिक होता है, वो हर किसी के लिए बुरा ही होता है, ठीक है ना। ओके, वी हैव द बर्डन एंड वी हैव पास्ट लाइफ, या ये आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन कनेक्टेड है, इट्स लाइक पास्ट लाइफ में कुछ कार्मा आप लोगों का इनकम्प्लीट रह गया था और ये पर्सन आपको बर्डन करना बहुत पसंद करते हैं, इट्स लाइक सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर, तुम बीवी हो ये तुम्हारा ही काम है, तुम हस्बैंड हो, तुम पति हो, ये तुम्हारा ही काम है, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, मतलब कोई भी सीएच हो, बहाने से बस वो आपको अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल करके आपको बर्डन कर देना चाहते हैं एंड लिटरली यूज करना चाहते हैं। सो गेट रिड ऑफ दिस पर्सन एज सून एज पॉसिबल, मैं तो यही कहूँगी, इसको भगाओ जितने जल्दी हो सके। ओके, रीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, अब ये पर्सन ने जो डोनेशन ये भेजा था, रेखा आपको अमाउंट तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी रीडिंग में बाकी का 200 भी सेंड कर देना, मैं आपके लिए कार्ड फुल कर लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पैसा वापस तो किया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं कार्ड पुल करूँगी तो बाकी लोग के लिए भी कार्ड पुल करना पड़ेगा, मैं कार्ड पुल एनर्जी रीडिंग्स में करती हूँ, ठीक है ना। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो एंड हैप्पी होली, प्रॉली होली के दिन भी मैं लाइफ पे आ पाऊँगी, ठीक है, ध्यान रखो आप लोग अपने अपना एंड सेफली खेलना, एंड एनिमल्स के ऊपर रंग नहीं डालना है क्योंकि ये रंग एनिमल्स के ऊपर सूट नहीं करता है, उनको इंस्टेंट एलर्जी हो जाती है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी एनिमल्स के ऊपर ये रंग नहीं डालना है, प्ले सेफ, अपनी आंखें बचा करके खेलना, ठीक है, ध्यान रखो आप लोग अपना, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।